नमस्कार, सच कहू न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव 2019 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्र में आज प्रचार के अंतिम दिन नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस महासचिव और पूर्व उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज बिजनौर में कांग्रेस प्रत्याशी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पक्ष में रोड शो करने पहुंची। बिजनौर में प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो में आज कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उनके रोड शो में आमने सामने आने से माहौल भी काफी गर्मा गया। दोनों पक्ष में काफी जोर से नारेबाजी होने लगी। दोनों पक्षों के टकराव की स्थिति पर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध की संसदीय सीटों के लिए 96 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए वेंकटेश्वर लू के मुताबिक सभी 8 सीटों के लिए 11 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि पहले चरण के चुनाव के लिए 6,716 मतदान केंद्र और 16,518 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन लोकसभा क्षेत्रों में लगभग 1.50 करोड़ मतदान होगा। शाहजहांपुर में एक प्रत्याशी ने दूल्हा बनकर लोकसभा चुनाव 2019 के लिए नामांकन करने पहुंचा। दूल्हा बनकर बैंड बाजे के साथ घोड़े पर सवार ये दूल्हा नहीं संयुक्त विकास पार्टी के प्रत्याशी वैद्यराज किशन है। दूल्हा बने प्रत्याशी वैद्यराज किशन का कहना है कि मैं राजनीति में दामाद बनकर आया हूं। प्रत्याशी ने दूल्हा बनाकर नामांकन से पहले पूरे शहर में बारात निकाली, जहां उसने बारातियों के साथ जमकर डांस भी किया। इस अनोखे ढंग से नामांकन पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि दूल्हा बने प्रत्याशी वैद्यराज किशन पिछले कई सालों से हर चुनाव में नामांकन करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 की सरगर्मी के बीच हरियाणा की राजनीति में नया ट्विस्ट आ गया है। हाल में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सांसद अरविंद शर्मा और कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई को लेकर एक बार फिर सस्पेंस पैदा हो गया है। इनकी सक्रियता के कारण हिसार, करनाल और रोहतक लोकसभा सीटें चर्चित हो गई हैं। इन सीटों पर अभी तक सभी दलों ने उम्मीदवार भी घोषित नहीं किए। अरविंद शर्मा को रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा के सामने लड़ने की चर्चा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के गैर जाट नेता के रूप में स्थापित कुलदीप बिश्नोई हिसार से की टिकट के प्रबल दावेदार हैं। वो अपने बेटे भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर एक गैंगस्टर को कांग्रेस में शामिल करवा कर विवादों में घिर गई हैं। परनीत की मौजूदगी में 50,000 रुपए का इनामी गैंगस्टर पटियाला में कांग्रेस में शामिल हुआ था। इससे पंजाब की राजनीति में घमासान मचा है। इस पर बवाल बढ़ा तो परनीत कौर सफाई देने सामने आई। उन्होंने कहा कि किसी गैंगस्टर को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा, कांग्रेस में अपराधियों को सहन नहीं किया जाएगा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कानूनी दावपेच को लेकर यूपी की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अधिग्रहण के खिलाफ दाखिल की गई किसानों की अर्जी को खारिज करते हुए एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने माना है कि एयरपोर्ट का निर्माण जनता की जरूरत है और इसके लिए अर्जेंसी की धारा के तहत जमीन का अधिग्रहण कतई गलत नहीं है। वहीं किसानों के वकील ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की बात कही है। रेवाड़ी में नहर में डूबने से दो दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि तीन दोस्त नहर किनारे बैठकर शराब पी रहे थे, तभी उनमें से एक नहर में नहाने के लिए उतर गया, जिसे डूबते देख दूसरा दोस्त बचाने के लिए नहर में कूद गया और तीसरा मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को नहर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल के पास मौजूद एक किसान ने तीनों युवकों को शराब के नशे में नहर से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सरकार की ओर से किसानों की फसल को लेकर किए जा रहे तमाम दावे धराशाही होते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जहां सरकार किसानों को राहत देने और उनकी आय को दोगुनी करने की बात कर रही है, वहीं ऑनलाइन बिक्री किसानों के गले की फांस बनी हुई है। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए चरखी दादरी की अनाज मंडी में लंबी लाइनों में लगकर भूखे प्यासे घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि फार्म और बारदाना समाप्त होने पर दिन रात किसान खरीद के लिए मारामारी कर रहे हैं। मार्केट कमेटी कार्यालय में किसानों ने हंगामा करके मंडी अधिकारियों से भी उलझ पड़े। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना और हत्या में होमगार्ड की मौत होने पर मृतक आश्रित को दुर्घटना बीमा के मदद में 5,00,000 रुपए दिया जाएगा। ये व्यवस्था 26 मार्च 2019 शाम 5:30 से 25 मार्च 2020 तक लागू रहेगी। इस बीच ड्यूटी करते हुए अगर किसी होमगार्ड की दुर्घटना में मौत होती है तो उसके मृतक आश्रित को ये आर्थिक लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीते कई वर्षों से बीमा कंपनी के अनुबंध समाप्त होने के कारण और विभागीय परवाही के चलते होमगार्ड जवानों को ये लाभ नहीं मिल रहा था। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।